कि हम लोधरा को बेहतर करें। लोधरा को बेहतर करने के लिए, लोधरा को खुशहाल बनाने के लिए हमें बच्चों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यही हमारी कोशिश है कि हम इन्वेस्ट करें लोधरा के बच्चों पे, लोधरा के फ्यूचर पे, ताकि वो एक दिन अपने एरिया को, अपने घर को, अपने डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बना सकें। तो इसी वजह से त्री एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हम जो भी स्कूल हैं लोधरा में, जो कॉलेजेस हैं, उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे यहाँ बीजर यू सब कैंपस लोधरा में हमने कंप्यूटर लैब बना दी है, बिकॉज आईटी के बगैर आपके फ्यूचर नहीं बन सकता इस मुल्क में। तो हम चाह रहे हैं लोधरा को हम मॉडर्नाइज करें, लोधरा को हम तगड़ा करें, प्रिपेयर करें फ्यूचर के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे ही खुद अपने घर को बेहतर बनाएंगे। अरे भाई, आप समझते हैं कि यहाँ के नौजवानों में पोटेंशियल है और वो आगे जो है उनको सही फॉरम नहीं मिल पाता? जनूबी पंजाब के बच्चे किसी से कम नहीं है, सिर्फ यहाँ इशू पड़ता है कि इनको सपोर्ट कम मिलती है, इनकी फैसिलिटीज़ कम होती हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि जहाँ हमें नज़र आते हैं गैप्स साउथ पंजाब से, लाहौर और कराची से, वो गैप को हम फिल करते हैं, और जब उनको वही, हमारे बच्चों को वही सपोर्ट मिलेगी जो बाकी एरिया में मिलती है, यही बच्चे उतने आगे जाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, आज आपने यहाँ किस चीज़ का इत्तला किया और मजीद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे? आज हमारे विजिट का मकसद था, हमने कंप्यूटर लैब बना के दिया है BZU कैंपस लोधरा में। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी मॉडर्न चीज़ें, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं पूरे लोधरा में। तो ये अभी यहाँ हमने इफ्तिताह किया है, इंशाल्लाह बाकी स्कूल में वहाँ भी करेंगे जहाँ भी गैप है, जहाँ हमें नज़र आएगा साउथ पंजाब में गैप है, हम उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया।